हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इयररिंग बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने ये बीड्स लिए हैं स्मॉल साइज के। ये थोड़ा बड़ा साइज है, 40 नंबर का धागा। फ्लावर बनाने के लिए 0.5 mm का क्रोचेट हुक। बेस बनाने के लिए मैंने 8 नंबर का धागा लिया है। इसके लिए मैंने 0.55 mm का क्रोचेट हुक लिया है। धागे में बीड्स को डाल लेना है। एक हमने बिग साइज का लिया है, बीच में हमने 3 बीड्स स्मॉल साइज के लिए हैं। इस तरह से हम बीड्स को डाल लेंगे। इयररिंग लिया है, राउंड इयररिंग। इसका डायमीटर ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर है। सीजर, फैब्रिक ग्लू और स्टार्च। सबसे पहले हम ये बेस बनाएंगे। वन इयररिंग में हम इधर से बनाएंगे, दूसरे इयररिंग में हम इस साइड से, ये देखिए इस तरह से बनाना है, शुरू करेंगे। सबसे पहले नॉट लगा लेंगे। इसके लिए मैंने 0.55 mm का क्रोचेट हुक लिया है। इस तरह से धागे को रिंग के साथ में रखेंगे। धागे के नीचे से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से धागे को साथ में रखते हुए फिर से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। इस रिंग को पूरा कवर करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली है। इसमें मैंने 52 सिंगल क्रोशिया ली हैं। वन चेन लेंगे, इयररिंग को घुमाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हमें सभी स्टिच में सिंगल सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से वन चेन लेंगे, इयररिंग को घुमाएंगे। फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, सेकंड में सिंगल क्रोशिया लेंगे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया लेंगे, फोर्थ चेन में हम फोर्थ स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर से हम 3 स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से बना लेना है। वन चेन लेंगे, इयररिंग को घुमाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, बीट के साथ लेनी है इस तरह से। बीट को लगाते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेनी है। इस बार हमें 3 बीड्स ले लेने हैं स्मॉल साइज के। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, इस बार हमें बीड नहीं लगाना है। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे,
दो बार हमें बीड के साथ लेनी है सिंगल क्रोशिया, एक बार हमें विदाउट बीड सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से बीड्स को लगा लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से बीड्स को 6 बीड लगाए हैं बड़े वाले। ये देखिए इसमें हमें फ्लावर इस साइड लगाना है। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, इसी तरह से हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर 16 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें फ्लावर को लगाना है। आगे की साइड में हमें बीड्स को लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से अब हम बीड के साथ सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। वन चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। इस धागे को अच्छे से हाइड करके एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। धागे को क्लू से चिपका देना है। ये देखिए इस तरह से बेस बन गया है। फ्लावर बनाने के लिए नॉट लगाएंगे। नॉट लगा लेंगे, चेन बनाएंगे। 16 चेन बना लेनी है। टू चेन स्किप करेंगे, थर्ड में हमें डबल क्रोशिया ले लेनी है। नेक्स्ट चेन में टू डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। टू चेन लेंगे, सेम चेन में स्लिप स्टिच लेंगे। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे। टू चेन लेंगे, सेम चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट चेन में टू डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। टू चेन लेंगे, सेम चेन में स्लिप स्टिच लेंगे। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे। ये देखिए इस तरह से टू पेटल्स बना ली हैं। इसी तरह से हम वन पेटल और बना लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, टू चेन लेंगे। ये देखिए मैंने 3 पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं। सेम चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हमें सभी
चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। टू चेन लेंगे, सेम चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, धागे को कट कर देंगे इस तरह से। हमें फ्लावर को बना लेना है इस तरह से। हम थ्री फ्लावर बना लेंगे। फ्लावर की बैक साइड पर स्टार्च लगाएंगे। इस तरह से हमें स्टार्च लगा लेना है। इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। थोड़ा ड्राई होने पर हम इसको सेब देंगे। पेटल्स को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। बैक साइड पर ग्लू लगाएंगे। नीचे की साइड में हमें ग्लू लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। जिस तरफ हमने धागे को कट किया है उस साइड से हम इस तरह से अंदर की साइड में इसको रोल करेंगे। ये देखिए हमारे फ्लावर रेडी है। इसी तरह से हमें बाकी के फ्लावर भी बना लेने हैं। फ्लावर के बैक साइड में धागे को हम कट कर देंगे। बैक साइड पर हम ग्लू लगाएंगे अच्छे से। ईयरिंग बेस पर हम इसको इस तरह से अच्छे से चिपका देंगे। इसी तरह से हमें बाकी के फ्लावर भी लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारा इयररिंग बन गया है। हमारे इयररिंग कंप्लीट है।